हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हेयर ऑन बिहाफ ऑफ बीएम पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 7 में चैप्टर 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट है, इससे पहले हम ये देखें कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, और उसके बाद है मॉडल टेस्ट पेपर 1। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेसन मिलेगा हीट एंड टेम्परेचर, और फिर हमारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। शुरू में हम इन चार चैप्टर्स को कवर करेंगे पार्ट वाइज। तो आज हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये न्यूट्रिशन क्या होता है। इनटेक प्लस यूटिलाइजेशन, किस चीज़ का इनटेक? फूड का। किस चीज़ का यूटिलाइजेशन? न्यूट्रिएंट्स का। तो जब भी किसी प्लांट के लिए या किसी एनिमल के लिए, इनमें किसी भी रेफरेंस में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो वहाँ पे दो ही चीज़ें आएंगी, एक तो होगा इंटेक और दूसरा होगा यूटिलाइजेशन। इंटेक फूड का इंटेक और न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज़ द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो यहाँ पे जो आप नाम लेते हो कि भाई बॉडी के अंदर फैट बढ़ गया है, या फिर आप नाम लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आप नाम लेते हो भाई दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, या फिर विटामिन्स का नाम लेते हो आप, तो अपने डेली लाइफ में जो आपने सुन रखा है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ मिलते हैं? तो हमारे फूड के अंदर मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनके अंदर सिर्फ फैट मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन मिलता है, और कुछ ऐसे भी फूड हैं जिनके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। यानी आपको एक ऐसा फूड नहीं मिलेगा जिसके अंदर फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में किस तरह का इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे फैट क्या करता है? हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, बट फैट गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू आवर बॉडी। तो इसीलिए जब भी आप कोई फूड इंटेक कीजिए, कोई भी फूड इंटेक कीजिए, तो ये ध्यान में रखिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी का फूड हमें कम लेना है। ऐसा फूड कम लेना है जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि इससे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप आयल खाते हो या घी खाते हो, तो ये आयल और घी बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फैट एंड बोथ गिव्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी इन आवर बॉडी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, अच्छी बात है। ये एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट किन फूड्स में मिलता है? चावल और गेहूं, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन राइस एंड व्हीट, जो कि आप डेली कंज्यूम करते हैं। अब आती बात प्रोटीन की, कि जो प्रोटीन है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। क्या करता है? बॉडी को बिल्ड करता है, यानी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये दाल के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की, ये क्या है, हमारे बॉडी में इसका किस तरह का काम है। तो हमारे बॉडी में ये एज ए प्रोटेक्टिव फूड काम करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड काम करते हैं। जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से क्या होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और आपकी बॉडी वीक हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर उस तरह की बीमारियों से बचना है
तो ऐसे भी फूड हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से फूड हैं? तो वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ये किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है? विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने डेली लाइफ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और हमारे बीमार होने के चांसेस कम होंगे। तो ये तो था कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है? तो दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फूड के अंदर पाए जाते हैं और फूड को हम क्या करते हैं? इंटेक करते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? अपने बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज ओनली द प्रोसेस इन विच वी इनटेक फूड एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, ये दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आप इसको नोट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आई है तो हम दो चीज़ों की बात कर लें। इन दोनों चैप्टर को हमें एक साथ कवर करना होता है, फिर भी हमें दो चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कोशिश करते हैं। सभी प्लैनेट में एक प्लैनेट है अर्थ, उस पर क्या है? लाइफ। किस फॉर्म में है? तो प्लांट के फॉर्म में है। और किस फॉर्म में है? एनिमल के फॉर्म में है। एनिमल में भी एक एडवांस एनिमल है जिसका नाम है ह्यूमन बींग। प्लांट को, एनिमल को या ह्यूमन बींग को क्या चाहिए? तो एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो सन से। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ फॉर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग। आइए अब हम समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ग्रीन प्लांट में पाया जाता है और दूसरा नॉन ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। जो ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो नॉन ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉपिक, नॉन ग्रीन प्लांट में हेटरोट्रॉपिक। अब हमें समझना है कि ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो प्लांट सेल्फ न्यूट्रिशन करेगा उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह के प्लांट में पड़ेगा? ग्रीन प्लांट में पाया जाएगा। हेटरोट्रॉपिक में हेटरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी जो प्लांट अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो अब फूड के लिए अदर पे डिपेंड होते हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए अदर पे डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये किन के अंदर पाया जाता है? नॉन ग्रीन प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब हमें समझना है कि ग्रीन प्लांट के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो होता किस तरह से है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ग्रीन प्लांट अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में किया जाए उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं
वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। CO2 कहाँ से मिलेगा? एयर से। एयर का मतलब एटमॉस्फेयर से। H2O कहाँ से मिलेगा? साइल से। किसके थ्रू पहुँचेगा? तो प्लांट के रूट के थ्रू स्टेम में, और स्टेम के थ्रू उसके लीफ में पहुँचेगा। सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सन से, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड क्लोरोफिल कहाँ होगा? प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? CO2, H2O, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नॉन ऑर्गेनिक मैटर हैं। दोनों क्या हैं? नॉन ऑर्गेनिक मैटर हैं। CO2 नॉन ऑर्गेनिक मैटर, H2O नॉन ऑर्गेनिक मैटर। ये दोनों किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे? तो क्लोरोफिल और सनलाइट, इसके प्रेजेंस में आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस O2। याद रखिए, यह एक बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। हम समझने के लिए इसको इस तरह से लिख रहे हैं। तो फिर हमने बात किया CO2 क्या है? नॉन ऑर्गेनिक मैटर। H2O क्या है? वो भी क्या है? नॉन ऑर्गेनिक मैटर। ये दोनों नॉन ऑर्गेनिक मैटर मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। एंड क्या रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन, जिसकी जरूरत सांस लेते समय हम लोगों को पड़ती है। तो ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो हमने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट ने नॉन ऑर्गेनिक मैटर से एक ऑर्गेनिक मैटर बना दिया, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और फार्मूला क्या है? C6H12O6। और क्या रिलीज किया एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, एयर में? O2। यहाँ पे जो C6H12O6 है, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। और यही क्या है? प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड है। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो एज ए फूड के अंदर एज ए न्यूट्रिएंट अवेलेबल था। और जब प्लांट ने ग्लूकोज तो बना दिया, जितना यूटिलाइज करना था यूटिलाइज किया, अब उसने क्या किया कि ग्लूकोज को स्टोर करके अपने बॉडी में रख लिया, चाहे वो लीफ के अंदर रखे, चाहे वो फ्रूट के अंदर रखे, या फिर स्टेम में रखे, या फिर रूट में रखे। तो अपने प्लांट के बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। तो किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? तो वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। किसके फॉर्म में? स्टार्च के। तो एक क्या उसने बनाया? ग्लूकोज। दूसरा क्या बनाया? स्टार्च। तो ग्लूकोज और स्टार्च दोनों क्या है? दोनों ही बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या कवर किया? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर किया। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही कोई हम क्या कहते हैं? होलोफाइटिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट ने दो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया, जिसका नाम था ग्लूकोज।
और ग्लूकोज क्या था, ऑर्गेनिक मैटर था, और इसको प्लांट ने क्या किया, अपने बॉडी में स्टोर किया। किस फॉर्म में स्टोर किया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया। और ग्लूकोज और स्टार दोनों ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। हमने क्या देखा कि प्लांट के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कुछ बातें हमने छोड़ भी दिया, उसको आप हमें इस वीडियो के नीचे उस कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करके बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सिंपल से सिंपल वर्ड में आप समझाने की कोशिश कीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो होता है उसका क्या मतलब होता है, और वो क्यों होता है, और स्टोमेटा क्या होता है। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, क्या वो जो लीफ है उसके ऊपर होता है या उसके निचले वाले हिस्से में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। और अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप कमेंट बॉक्स में लिख के समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक एक कमेंट्स को चेक किया जाएगा। थैंक यू सो मच।